मथुरा से पंडित प्रदीप मिश्रा ने मांगी माफी। बरसाना के राधा रानी मंदिर में पहुंचे पंडित प्रदीप मिश्रा, राधा रानी मंदिर में किया दंडवत प्रणाम। राधा रानी पर दिए बयान के विवाद में आए थे। आज आप आए थे राधा रानी के दरबार में, क्या कुछ रहा, क्या कहना चाहेंगे? राधा रानी का दर्शन किया, बरसाने की पवित्र भूमि को प्रणाम किया, नमन किया और महारानी जी से माफी मांगी कि हमारे शब्द से कोई त्रुटि हुई हो तो। माता राधा रानी के चरणों में आज यहाँ पर आना हुआ और राधा जी ने खुद इशारा कर बुलाया तो तुरंत यहाँ आना हुआ और राधा रानी के वासियों के बीच आना हुआ। मेरी वाणी से, मेरे शब्दों से जो भी चोट लगी हो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मेरी महारानी जी से, मेरे राधा रानी जी से, किशोरी जी से, लालू जी से क्षमा चाहता हूँ और राधा रानी ने उनको सद्बुद्धि दी और जैसे हम लोग चाहते हैं कि नागरीगढ़ के माफी मांगे, साष्टांग दंडवत प्रणाम। आपको बता दें कि राधा रानी पर दिए बयान के बाद विवादों में आए थे पंडित मिश्रा और इसके बाद वो आज बरसाना पहुंचे हैं और उन्होंने वहां पर जाके राधा रानी से माफ़ी मांगी। इस मामले पर ज़्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता सुरेश सैनी जुड़ रहे हैं मथुरा से। सुरेश सैनी, आपके पास आ रहे हैं यहाँ पर मथुरा से लाइव तस्वीरें हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। राधा रानी मंदिर पहुँचे पंडित मिश्रा और उन्होंने जो भी बयान दिया था उसे लेकर के उन्होंने यहाँ पर माफ़ी भी मांगी है, क्या कुछ अपडेट इस वक्त? जी बिल्कुल, जिस तरह से आज प्रदीप मिश्रा अचानक बरसाना पहुँचे और जहाँ उन्होंने श्री जी यानी राधा रानी जी से माफ़ी मांगी है, उनके मंदिर में दंडवत करके नाक रगड़ के, जिस तरह से ब्रजवासियों की मांग थी कि वो यहाँ आए और श्री जी के मंदिर में नाक रगड़ कर माफ़ी मांगे, तो आज श्री जी के मंदिर में प्रदीप मिश्रा पहुंचे हैं, उन्होंने यहाँ पर नाक रगड़ कर माफी मांगी है, साथियों से माफी मांगी है। बाद उन्होंने साफ कहा है कि जो भी मेरे द्वारा शब्द कहे गए थे, जिससे भी जिसको भी उससे ठेस लगी हो, मैं उन सबसे माफी मांगता हूँ और आगे इस चीज का ध्यान रखेंगे कि कहीं भी किसी भी भगवान या भक्त के साथ साथ ब्रजवासी के अपशब्द नहीं बोले। वही उन्होंने ये भी कहा जो उनके अनुयायी है कि सोशल मीडिया पर, अन्य चैनलों पर वो किसी भी ब्रजवासी के लिए, गोस्वामी के लिए या शास्त्री के लिए कोई अपशब्द ना बोले, क्योंकि ये दिनों से ये विवाद चला रहा था। जो विवाद आज थम गया है, जिस तरह से प्रदीप मिश्रा ने अपनी कथा में कहा था कि श्री जी जो राधा रानी है, ना तो उनके लिए उन्होंने श्री लगाया था और सीधे सीधे बोला था कि राधा जो है वो बरसाने की नहीं थी, क्योंकि वो वर्ष में एक बार यहाँ आती थी, बरसाना उनके पिताजी की कचहरी थी, तो वर्ष में एक बार आने को यहाँ बरसाना कहा जाता है। वही उन्होंने ये भी कहा था कि कृष्ण की जितनी पत्नी आए उसमें राधा का नाम नहीं है और राधा के पति में श्री कृष्ण का नाम नहीं है। जी बहुत बहुत शुक्रिया सुरेश इस पूरी जानकारी के लिए।